हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एवरीडे न्यू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। नेशनल टेक्नीशियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO रिक्रूटमेंट का भर्ती निकल चुका है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास आई टी आई रहना चाहिए। टोटल वैकेंसी 71 पोस्ट दिया हुआ है। इसमें एज लिमिट 18 से 27 वर्ष मांगा गया है। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, इसका पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिया है, इसका कौन से पोस्ट का निकल चुका है, इसका बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें एंड इस यूट्यूब चैनल पर जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इन न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसका टेक्नीशियन ए एग्जामिनेशन 2019 दिया हुआ है। तो टेक्नीशियन का यहाँ पोस्ट निकला हुआ है। तो स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 दिसंबर 2019 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 दिसंबर 2019 यहाँ दिया हुआ है, 10 AM में इसका भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट देख सकते हैं, टेक्नीशियन ए दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं, जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ निकल चुका है। पे स्केल का बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं पे स्केल अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स की बात करें। यहाँ पे स्केल लेवल 2 ऑफ द पे मैट्रिक्स 19,900 से 63,200 तक दिया हुआ है। अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स स्पेशल अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे केस कॉर्पोरेशन फॉर वर्किंग इन हॉलीडेज बेसिड गवर्नमेंट आपको यहाँ दिया हुआ है। पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं कौन कौन सी आपको अलाउंस दिया जा रहा है। उसका नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं UR में 31 पोस्ट दिया हुआ है, SC में 9 पोस्ट, ST के लिए 5 पोस्ट दिया हुआ है और OBC के लिए 19 पोस्ट, EWS के लिए 7 पोस्ट। टोटल देख सकते हैं 71 पोस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ उसका देख रिमार्क में भी देख सकते हैं, 3 वैकेंसी रिजर्व फॉर पर्सनल विथ डिसेबिलिटी एंड वन लॉक लेग अफेक्टेड ऑयल एंड हेयरिंग हैंडीकेप जो है उनके लिए 3 पोस्ट का रखा गया है वहाँ। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको दे दिया है, 10th पास रहना चाहिए आपका। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंडस्ट्री ITI का रहना चाहिए एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्राम भी आपको आना चाहिए। एंड यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ट्रेड जो दो ट्रेड दिया हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, नेटवर्क टेक्नीशियन, डेस्क टू पब्लिशिंग ऑपरेटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, IT एंड कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स, रेडियो एंड टेलीविजन मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड आप यहां देख सकते हैं हेवी वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर नॉलेज रहना चाहिए और ये सब का ट्रेड में आपको ITI रहना चाहिए। उसके बाद यहां एज का बात करते हो, यहां 18 से 37 वर्ष मांगा गया है। क्लोजिंग डेट से आपको 27 रहना चाहिए तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह पूरा डिटेल्स आपको यहाँ मिल गए, उसके बाद इसको रीड करके उसके बाद ही आप अप्लाई करें। तो इस यूट्यूब चैनल पे जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।